ओके, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू क्वेश्चन. डिटरमाइंड टी इक्विवेलेंट सर्किट एंड पाई इक्विवेलेंट सर्किट. ये एक हमें जो गिवन सर्किट है इसका टी इक्विवेलेंट सर्किट बनाना और पाई इक्विवेलेंट सर्किट बनाना. तो टी इक्विवेलेंट सर्किट क्या ड्रॉ करेंगे इसका? टी इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा इसका? इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होता? टी की शेप में. ठीक है, तो अब इसमें देखो, ये जो ये वाले इसकी वैल्यू होती है, मैं इसको अगर एल ए कहूं तो ये होता है एल वन माइनस एम. ये इसकी वैल्यू होती है एल टू माइनस एम, और इसकी वैल्यू होती है एल सी इक्वल्स टू एम. तो ये हो गया बस टी इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ. पहला वाला एल वन होता जिस साइड एल प्राइमर सोर्स होता, सेकंड वाला एल टू होता लोड की तरफ, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है. ठीक है, तो बस इसमें इसको वैल्यू लगा दो, कितना आएगा? एल वन है टेन, टेन माइनस टू, टेन माइनस टू ये हो गया एट हेनरी. ऐसे इसकी निकालो, एल टू कितना? फोर माइनस एम, फोर माइनस टू यानी कितना आ गया? टू हेनरी. एल सी कितना एम के इक्वल है, यानी एम कितना दे रखा है मुझे? टू हेनरी. ठीक है, हो गया बस ये ड्रॉ सर्किट. इसमें एक चीज़ और बता दूँ, करंट और वोल्टेज की पोलिटी क्या होनी चाहिए? जो फॉर्मूला मैंने लगाया वो इस टाइप से होनी चाहिए. इसमें आई वन करंट फ्लो रही हो इस टाइप से, और ये आई टू. जब ये वाली डायरेक्शन होंगी तभी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? ये वी वन हो जाएगा, यहाँ पे ये आई वन हो जाएगा, ऐसे ये वी टू हो जाएगा, और ये आई टू. ठीक है, इसके इस वाले डायरेक्शन के लिए ये वैलिड है. ठीक है, जब ये आएगा तभी इसको लगाना. डॉट की पोजीशन देख लो एक बार, और अगर कुछ मेंशन नहीं होगा तो करंट और वोल्टेज नहीं मेंशन होगा तो हम अपने स्टैंडर्ड वाला लेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड ये वाला अगर दे रखा तो उसमें डॉट की पोजीशन देखनी होगी हमें. ठीक है, ये वाली होनी चाहिए. पाई इक्विवेलेंट के लिए ड्रॉ करते हैं. पाई इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, देखो पाई इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, पाई की फॉर्म में होगा वो. यहाँ होगा ये वी वन, ये आई वन, ये वी टू और ये आई टू. ठीक है, अगर इसको मैं एल ए कहूँ, इसको एल बी, इसको मैंने कह दिया कैपिटल एल. ठीक है, तो एल ए जो होता है हमारा, इसमें इसकी वैल्यू होती है, मैं वो वैल्यू लिख रहा हूँ, एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर अपॉन एल टू माइनस एम. ऐसे एल बी कितना होता है? एल वन एल टू माइनस एम स्क्वायर, यहाँ पे एल टू था, यहाँ पे कितना आ जाएगा? एल वन. ऐसे ही एल सी कितना होता है? एल सी होता है एल वन एल टू, ऊपर का न्यूमेटर सेम रखना, इस बार नीचे क्या रह जाएगा डिनोमेटर में? केवल एम. तो बस यार सारी वैल्यू लगाओ यहाँ पे. एल वन है हमारा कितना, यहाँ पे ध्यान से देखो, एल वन टेन है, एल टू फोर है, और एल और एम टू है. तो टेन इंटू फोर माइनस एम यानी टू का स्क्वायर अपॉन एल टू है हमारा फोर माइनस टू, ये कितना हो जाएगा? फोर्टी माइनस फोर थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स अपॉन टू एटीन बचेगा ये, फिर एटीन हेनरी. ठीक है, नेक्स्ट एल वन एल टू, ये तो फोर हो गया, ऊपर तो न्यूमेटर सेम ही है. एल वन है हमारा इस बार टेन, और ये बचा टू, ये ऊपर बचेगा थर्टी सिक्स अपॉन एट, यानी ये आ गया नाइन बाई टू, फोर से डिवाइड करने पे यानी 4.5 हेनरी. अगेन ऊपर का न्यूमेटर सेम है, एम में हमारा टू, बस इसको ये आ जाएगा कितना? 36 अपॉन टू यानी 18 हेनरी. ठीक है, तो एल ए एल बी एल सी की वैल्यू आ चुकी है. बस डॉट की पोजीशन अगर जो हमारे इसमें गिवन है वो है, तो हम उसके बाद ये आसानी से इसका
पी सर्किट और पाई सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।